स्वतंत्रता संग्राम की मैं सभी वाराणसी के जनपदवासियों को बधाई देता हूं, और इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस हमारा जो मनाया जा रहा है पूरे देश में, ये विशिष्ट है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में जब आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और कल वो दिन आ रहा है, ये सारे देश के लिए बहुत गर्व का विषय है कि इतनी बड़ी देशभक्ति में सारा देश शराबोर है। पूरा 11 तारीख से लेकर 17 अगस्त तक का जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव का विशेष सप्ताह मनाया जा रहा है, और पूरा पिछला वर्ष जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है उसका अब अंतिम चरण आ रहा है, और उसी अंतिम चरण के लिए जो सभी सामान्य जन हैं उसकी जो देशभक्ति की भावना है वो वास्तव में काबिले तारीफ़ है। प्रत्येक स्कूल्स में, प्रत्येक विद्यालय, चाहे हमारे कितने भी इंस्टीट्यूशंस हों, सारे विभाग, जन सामान्य, सारे क्लब, सारी प्रकार की संस्थाएँ, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के इस सारे आयोजन में प्रतिभाग किया है, अपनी देशभक्ति की भावना का प्रदर्शन किया है। मैं सभी से अपील करता हूँ कि कल का स्वतंत्रता दिवस भी बड़े धूमधाम से मनाएं। जिस भी घर पे अभी तक तिरंगा ना लगा हो उस पे तिरंगा लगाएं। सभी अपने दुकान, व्यापारिक प्रतिष्ठान, अपने वाहन, अपने घर, सभी जगह तिरंगा लहराएं। सभी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जितनी भी हैं हमारे, सभी सोसाइटीज़ हैं, सभी मोहल्ले हैं, उन सब में जगह जगह आयोजन करके तिरंगे को लहराएं, और जितने भी हमारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उसमें प्रतिभाग करके देशभक्ति की भावना को आगे बढ़ाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश भी कल लाल किले से प्रसारित होगा, उसको भी सब देखें, उसको समझें, और जो पूरे एक वर्ष, जो वर्ष पर्यंत हमारी देशभक्ति की भावना चल रही है उसको अपने पीक पर ले जाते हुए कल एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जिससे लगे कि पूरे देश में और पूरे वाराणसी जनपद में देशभक्ति की भावना से सारा जनसामान्य ओतप्रोत है। इसी के साथ ये भी ध्यान रखें कि जब तिरंगा हमारा प्रयोग हो चुका हो तो उसको समेट के अपने घर में वापस रखें, किसी भी प्रकार से तिरंगे का अपमान ना हो पाए, तिरंगा कहीं भी हमें ज़मीन पर दिखाई ना पड़े, कहीं भी गलियों में या कहीं भी बिना अटेंड किए हुए ऐसे ही उड़ता हुआ ना मिले। हम लोग उसका सम्मान करते हुए उसे उतार कर एक दो दिन फहराने के बाद घर पे संभाल के रखें, ताकि भविष्य में जो भी राष्ट्रीय पर्व आए उस पर उनका प्रयोग किया जा सके। तो जितना सम्मान तिरंगे का 15 अगस्त तक हम कर रहे हैं, उसके बाद भी इतना ही सम्मान करके उसको उतारना है। सभी लोग इसमें प्रतिभाग करें, और जो काम अभी तक अच्छा होता रहा है उसी कार्य को 15 अगस्त को भी करें।